ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, टुलिप गार्डन। और अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये देखिए भाई। अभी हम गए थे परी महल घूमने के लिए, जो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ घूमकर, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और चैनल पर वीडियो आ चुकी है, जाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है। और अभी हम रोड पर बैठकर आराम कर रहे हैं। क्या है कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, पैदल चलकर गए थे और अभी वापस भी जा रहे हैं पैदल चलकर, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम, तो आराम कर रहे हैं। और हमने प्लानिंग किया है अभी टुलिप फूलों वाला गार्डन घूमने के लिए, जो पास में है। और इस गार्डन को हमने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा है, काफ़ी सारे गानों में देखा है। और अगर आप गूगल पे जम्मू कश्मीर सर्च करोगे तो आपको ये टुलिप गार्डन का इमेज ज़रूर दिखेगा, ये फूलों वाला गार्डन का फ़ोटो इमेज ये सब ज़रूर दिखेगा। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, अभी ये काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए टुलिप गार्डन भी घूम लेते हैं। यहाँ पे टुलिप गार्डन के पास में काफ़ी अच्छी सुविधा गाड़ी पार्किंग का भी है। और इस साइड में है टुलिप गार्डन, इधर टुलिप गार्डन की ओर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इस साइड में खाने पीने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। और भीड़ तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है होगी टुलिप गार्डन में अभी। और ये सब झूला बिक रहा है, जो पेड़ों में सब लटका कर झूल सकते हो, ये सब झूला है वही है। यह है टुलिप गार्डन का एंट्री गेट, और यहाँ पे टिकट मिल रहा है, इस साइड में भी टिकट मिल रहा है, इस साइड में भी टिकट मिल रहा है। चलिए टिकट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कितने रुपए का टिकट है। अभी हम गार्डन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे एंट्री टिकट है 60 रुपये का, हम दो लोग थे तो हमने 120 रुपये पे किए हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, टुलिप गार्डन। और अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये देखिए भाई, रंग बिरंगे फ्लावर्स यही सब है। और धूप तो भाई काफ़ी तेज़ी से लग रही है, तो चलिए आपको घुमाते हैं टुलिप गार्डन पूरा। और यहाँ पे आपको तरह तरह के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, फ़ोटोग्राफी के लिए, सेल्फी लेने के लिए बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चलिए घूमते हैं फिर। ये रहा भाई फूलों वाला गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन। और इस साइड में ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसके चलते और भी खूबसूरत लग रहा है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बहुत ही बेस्ट गार्डन है। चलिए और भी आपको आगे दिखाते हैं, आगे और भी अलग टाइप में फूल देखने को मिलेंगे, काफ़ी गजब का लग रहा है। इसमें दूसरे कलर में फूल हैं, गार्डन में पानी के फव्वारे भी लगे हुए हैं। और पानी के फव्वारे लगे हुए हैं तो इसके चलते और भी भाई गजब का लग रहा है गार्डन देखने में। और काफ़ी दूरी तक पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, और सामने ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं। फ़ोटो क्लिक करने के लिए नंबर 1 की जगह है। ये टुलिप गार्डन के जस्ट बगल में ये बोटेनिकल गार्डन है, ये भी काफ़ी बड़ा गार्डन है, लेकिन इसमें बहुत कम ही लोग घूमने के लिए आते हैं। और पानी के फव्वारे चल रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो पहाड़ियां हैं ऊंची-ऊंची, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पे ये परी महल है जो हम गए थे, यहाँ पे ये परी महल है। और तो ट्यूलिप गार्डन में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग आए हैं, और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे और भी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। चलिए भाई, अभी हमने ट्यूलिप गार्डन घूम लिया है और अभी मैं गार्डन के अंदर हूँ, और गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे आप फोटोग्राफी के लिए और सेल्फी के लिए आ सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी सेल्फी ले सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। और एक चीज़ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भाई सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आपको हर एक मोड़ पे फौजी भाई पुलिस वाले आपको मिल ही जाएंगे, और हर एक मोड़ पे आपको चेक पोस्ट भी मिलेगा, तो भाई सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो चलिए देख लीजिए भाई, यही है ट्यूलिप गार्डन, फूलों का बाग। चलिए इस वीडियो में यही था, और तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं नए नए वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।